अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ज़िलैंग सभी बग डीमन को ईस्टर्न रीजन पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। अब आगे जहाँ जैंग प्रिंसेस से ब्लेड बग वैली जाने के लिए परमिशन मांग रहा होता है, पर प्रिंसेस उसे वहाँ जाने से मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत कम है, इसलिए तुम अभी वहाँ नहीं जा सकते हो। जिसके बाद जैंग अपने घुटनों पर बैठकर वहाँ जाने की जिद कर रहा होता है, तभी प्रिंसेस गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब हमें प्रिंसेस के मैंसन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ियाओडाई अपने बटरफ्लाई के साथ खेल रही होती है। वहीं प्रिंसेस के पास हमें एक मिशन टोकन दिखाया जाता है, तभी वहाँ पर वो डिसाइपल आ जाता है, जिसे प्रिंसेस ज़ियाओडाई के बारे में बता रही होती है कि वो हमारी गेस्ट है, इसलिए तुम्हें ड्रेजल पे घुमाना होगा। जिसके बाद वो डिसाइपल बोलता है कि प्रिंसेस बाहर लूज एंड पिछले 6 घंटे से अपने घुटनों पर बैठा है। जिस पर प्रिंसेस बोलती है वो पागल है, एक तो उसकी कल्टीवेशन अभी कम है, ऊपर से वो खतरनाक बग वाले मिशन पर जाना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओडाई प्रिंसेस की सभी बातों को सुन रही होती है, जिसके बाद उसे ब्लेड बग वैली के बारे में कुछ याद आता है। तभी वो प्रिंसेस से कहती है कि मुझे लुओजैंग का मिशन टोकन चाहिए, जिसके बाद वो उस टोकन को लेने के लिए चली जाती है। तभी यह देख वो डिसाइपल उसे रोकने का कोशिश करता है, पर ज़ियाओडाई उसकी स्वॉर्ड को बर्फ में जमा देती है और इस मिशन टोकन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हमें मैंसन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ियाओडाई मैंसन के छत पर बैठी होती है और ज़ियांग से कहती है, मेरे ख्याल से तुम वही डिसाइपल हो जो बग वैली मिशन पर जाना चाहता है। जिसके बाद ज़ियाओडाई उस मिशन टोकन को ज़ियांग को दिखा रही होती है। तभी यह देख ज़ियांग उससे पूछता है, तुम कौन हो और ये टोकन तुम्हारे पास कहाँ से आया? जिसके बाद ज़ियाओडाई बोलती है, तो तुम इस मिशन पर जाना चाहते हो, तो चलो देखते हैं आखिर तुम कितने पावरफुल पर्सन हो। जिसके बाद ज़ियाओडाई ज़ियांग पर अटैक कर देती है। अब यह देख ज़ियांग उसकी अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। अब ज़ियाओडाई को ज़ियांग कहीं नजर नहीं आ रहा होता है, पर तभी अचानक से ज़ियांग ज़ियाओडाई के पीछे आ जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? अब ये अचानक से देख कर ज़ियाओडाई वहाँ से फिसल जाती है और नीचे गिरने लगती है, पर तभी ज़ियांग उसे बचा लेता है। जिसके बाद वहाँ प्रिंसेस और वो डिसाइपल भी आ जाते हैं और कहती है कि मेरे पास मिशन का टोकन है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ब्लेड बग वैली जाऊंगी। तभी प्रिंसेस बोलती है, तो ठीक है ज़ियांग, तुमने इस मिशन को चुन ही लिया है तो मैं अब चाहती हूँ कि तुम इस मिशन पर जाओ। जिस पर ज़ियांग प्रिंसेस को थैंक यू बोलता है, पर प्रिंसेस ज़ियाओडाई की सेफ्टी के लिए अपने उस डिसाइपल को भी इन लोगों के साथ जाने को बोलती है। इसके बाद हमें एक पवेलियन को दिखाया जाता है, जहाँ हम मास्टर सुगी को देखते हैं, जिसे अब पता चल चुका था कि लुओजैंग ब्लड बग वैली जाने वाला है, इसलिए वो कहता है कि अब मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा, क्योंकि मैं बस तुम्हारी वजह से टेस्ट में सबसे लास्ट आया था। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम क्लियर स्काई सेक्ट का एक बहुत बड़ा जहाज को देखते हैं, जो कि ब्लेड बग वैली जाने के लिए रेडी हो रही थी। जहाँ हम अब ज़ियांग और ज़ियाओडाई को देखते हैं और वो उस डिसाइपल को जिसका नाम चैंग था, उसे साथ आने के लिए ज़ियांग उसे थैंक यू बोल रहा होता है। जिसके बाद वो जहाज बग वैली के लिए निकल जाती है, जहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ पे और कई सारे डिसाइपल्स भी होते हैं जो कि इस मिशन के लिए आए होते हैं। जिसके बाद हम ज़ियांग और ज़ियाओडाई को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ ज़ियाओडाई ज़ियांग से बोलती है कि पता नहीं मुझे क्यों डीमंस का नाम सुनते ही उसे मारने का मन करता है, बस इसी कारण से मैं तुम्हारे साथ में आई हूँ, और हो सकता है कि इसलिए भी हो क्योंकि डीमंस ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था और उस अटैक के कारण मेरी पहले की सारी याददाश्त भी चली गई, इसलिए मुझे क्लियर स्काई सेक्ट में आने से पहले का कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर लुओजैंग बोलता है, कभी कभी सब कुछ भूल जाना ही अच्छा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनका जहाज अब बग वैली पहुंच जाता है, जो वैली देखने में काफी डरावनी लग रही होती है। तभी वहाँ बग डीमंस इन लोगों पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। देख जैंग सभी लोगों को फाइट करने के लिए रेडी होने के
के लिए बोलता है, जिसके बाद एक बग डीमन जाओडे की तरफ आ रहा होता है, पर तभी वहाँ जैंग आके उस डीमन को दूर फेंक देता है। तभी यह देख जाओडे अपने आइस पावर का यूज करते हुए उस बग डीमन पर अटैक कर देती है, पर उस बग डीमन को इससे कुछ भी नहीं होता है। तभी जाओडे फिर से अपनी पावर का यूज करने का कोशिश कर रही होती है, पर अब उसकी पावर वीक हो चुकी होती है, जिस कारण वो उस पावर को यूज नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद वहाँ बग डीमन की पूरी आर्मी उन पर अटैक करने के लिए आ जाती है, जिसे देख सभी लोग उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब उन डीमन से लड़ने लगते हैं। पर उनकी संख्या इतनी ज्यादा होने के कारण उन सभी लोगों के अटैक करने से उन डीमन्स को कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी दूसरी तरफ जैंग एक बग डीमन से फाइट कर रहा होता है। अब यह देख जाओडे अपनी पावर का फिर से यूज करने का कोशिश कर रही होती है, पर उसकी पावर फिर से काम नहीं कर रही थी। फिर भी वो किसी तरह एक छोटा सा आइस अटैक करती है, इसे देख जैंग बोलता है, क्या तुम्हारी मैजिक ट्रिक खत्म हुई? जिसके बाद जैंग अपनी अजोरा ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट करके उस बग डीमन को एक जोरदार पंच मार कर उसे खत्म कर देता है। तभी दूसरी तरफ चैंग भी अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करते हुए उन डीमन्स को मार देता है, जिसके बाद बग वैली से वहाँ और भी डीमन्स आने लगते हैं। तभी इधर जाओडे उन घायल डिसाइपल्स को हील कर रही होती है। तभी जैंग भी उन मरे हुए बग डीमन्स के अंदर से एक क्रिस्टल को ले रहा होता है, साथ ही सभी डिसाइपल्स भी उसे ले रहे होते हैं। तभी वहाँ अचानक से बहुत सारे बग डीमन्स आके उस जहाज के पंख को खराब करने लगते हैं, जिस कारण वो जहाज हिलने लगता है। अब यह देख एक सीनियर डिसाइपल उन पर अटैक करने के लिए करता है, पर तभी गलती से वो अपने ही जहाज पर अटैक कर देता है, जिस कारण वहाँ अब आग लग जाती है और उन लोगों की जहाज अब नीचे गिरने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं। अभी वहाँ जैंग किसी तरह जाओडे को उठाकर बाहर लेकर आता है, जिसके बाद ये लोग वहाँ पर जैंग के स्वॉर्ड और उसके हाथ को देखते हैं। इसे देख वो लोग जल्दी से जैंग को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, जो कि अब बुरी तरह से घायल हो गया था। और यही यह एपिसोड खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।